आज की वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा, जो कि गर्मी की वजह से बवासीर का मसला बढ़ जाता है रोज़े के अंदर, तो मरीज़ जो है वो रोज़ा नहीं रख पाता। तो ऐसी सूरत में आज मैं बहुत ही आसान नुस्खा आपको बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा सुनिएगा, ताकि आप इस बवासीर का इलाज कर सकें और आगे रोज़ा रखने के काबिल हो जाएँ। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी। तो बवासीर जो है मर्द और औरतों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रोज़ा रखते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं कि हम अब बवासीर हमें हो रही है तो हम रोज़ा कैसे रखें। आप ज़रूर रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1,000 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आपका मसला हल होने वाला बगैर दवा के। तो इसमें अगर मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप आज लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ख्वातीन के मसाइल को भी मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बहुत ही अच्छा उनके लिए एक वुमेंस हेल्थ का चैनल बनाया, जिसमें सिर्फ ख्वातीन जाकर अपने मसले मसाइल जो है हल कर सकती हैं, अपनी परेशानी को दूर कर सकती हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है बाजीपरवीन.com। दुआ में जरूर याद रखा करें, इंशाल्लाह ताला रमजान शरीफ का महीना है, सबके अल्लाह ताला दुआएं सुने, हर बीमारी से अल्लाह ताला आपको दूर करें। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो है बवासीर की। बवासीर में जो है आपने क्या करना है कि थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा लेना है आपने, और इसमें जो है आपने एक टुकड़ा लेकर इसको जो है पानी में भिगो देना है। जब थोड़ी सी मिट्टी का टुकड़ा आपने लेना है, जैसे मिट्टी जो टुकड़ा लें तो उसको मिट्टी के बर्तन में ही आपने किसी कटोरे में भिगो देना है। सुबह हिलाए बगैर आपने ऊपर वाला पानी इसका पी लेना है। चंद बार आप अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका बवासीर का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। आप रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।